नमस्कार साथियों, जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। युवा नेता और जेएनवीयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, इसका ऐलान वो कर चुके हैं और आम राजनीति में प्रवेश वो कर चुके हैं। छात्र राजनीति में काफ़ी साल वो सक्रिय रहे, 3 साल तक अध्यक्ष रहे, कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हुए और रविंद्र सिंह भाटी युवाओं के लिए एक चेहरा बने रहे, उनके मुद्दे उठाए, उनके लिए लड़े। लेकिन अब वक्त है आम राजनीति का और चर्चा है कि सरदारपुरा विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं और सरदारपुरा विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है। सीएम अशोक गहलोत जब से उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ना शुरू किया है, लगातार वो जीतते आए हैं और इस बार भी वो वहीं से लगभग चुनाव लड़ने वाले हैं। उनका जो क्षेत्र है वो तय है, सीएम है फिलहाल अभी वो। और रविंद्र सिंह भाटी को लेकर ये बात सामने आई है, सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को ऑफर दिया गया है सीएम के खिलाफ लड़ने का सरदारपुरा विधानसभा से। अब ये तो जब कभी आधिकारिक जो इसके बारे में घोषणा होगी तब पता लगेगा, सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही हैं। अभी जो फिलहाल सिटिंग सीएम अशोक गहलोत हैं, कई योजनाएं लेके आ रही हैं, विपक्ष वहीं सरकार के खिलाफ कुछ भी जो उनकी जो मुद्दे हैं वो उनको लेकर ज्वलंत तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार भी अपनी योजनाएं लोगों के सामने रख रही हैं। वहीं रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो शिव विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ने का मन बना चुके हैं, उनकी जन्मभूमि है और पिछले काफ़ी वक्त से वो वहाँ पर सक्रिय हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी से जब सवाल पूछा जाता है कोई भी इंटरव्यू में तो वो मना नहीं करते हैं कि वो किसी और विधानसभा से नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो कहीं किसी पार्टी में जाते हैं उन्हें मौका मिलता है, यहाँ तक कि सरदारपुरा विधानसभा के लिए भी उन्होंने मना नहीं किया है, वो वहाँ पर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर उन्हें मौका मिलता है वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये अलग बात है, लेकिन क्या वो इस ऑफर को स्वीकार करेंगे यही सब बातें कर रहे हैं। क्योंकि जो खबरें फिलहाल चल रही हैं कि क्या रविंद्र सिंह भाटी फिलहाल जो सीएम है जो लगातार जीतते आ रहे हैं, क्या अपनी राजनीतिक शुरुआत एक ऐसी जगह से करना चाहेंगे जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, सीएम खुद वहां से चुनाव लड़ते हैं, क्या अपनी राजनीतिक शुरुआत ऐसी जगह से, क्योंकि उनका जो राजनीतिक भविष्य है आम राजनीति में वो शुरू होगा, और वो क्या पहले ही चुनाव में सीएम को टक्कर देंगे। युवा हैं, उनके अंदर जोश है और युवाओं में काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा स्टेप वो उठाएंगे, क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वो हामी भरेंगे और इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्हें ऑफर दिया गया है या नहीं दिया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार खबरें आ रही हैं, हम लगातार देख रहे हैं 2 दिन से। और अगर इस बात में सच्चाई है तो रविंद्र सिंह भाटी का क्या फैसला होगा, क्या वो शिव विधानसभा क्षेत्र को ही चुनेंगे या फिर सरदारपुरा के लिए हाँ भरेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जो तथ्य हैं वो भी सामने आने बाकी हैं और अभी तो रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी फैसले आने बाकी हैं। बाकी उन्होंने कई बीजेपी नेताओं को काफ़ी समय से फॉलो किया है, उसकी खबर भी हमने आपको दी थी। आगे क्या होता है, कुछ भी अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।